नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरल, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक और बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच आज आया हूं। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिमाचल में बर्फबारी से 10 ट्रैकर्स की मौत के बाद किन्नौर में ट्रैकिंग हुई बैन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीते एक सप्ताह में बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल से चलते 10 ट्रैकर्स की मौत हो गई है। किन्नौर जिले में ये सभी ट्रैकर्स मौत का शिकार बने हैं। 2 ट्रैकर्स अभी भी लापता हैं। ऐसे में प्रशासन ने किन्नौर डीसी किन्नौर जिले में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी है। किन्नौर के डीसी अपूर्व देवगन ने ट्रैकिंग के बाद पाबंदी से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत जगह है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहां पर 10 सैलानियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 टूरिस्ट अभी भी लापता हैं। 11 टूरिस्ट सैलानी उत्तराखंड के हर्षिल से होते हुए किन्नौर के छितकुल आ रहे थे। इस दौरान लमखागा दर्रे पर वे फंस गए और यहां से 2 ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया, जबकि 7 के शव निकाल लिए गए हैं। वहीं 2 लोग अभी भी लापता हैं। ये लोग दिल्ली और बंगाल से आए थे। वहीं शिमला के रोहडू की तरफ से किन्नौर के लिए निकला एक दल भी बर्फबारी में फंस गया। इससे ठंड की वजह से 3 टूरिस्टों की भी मौत हो गई है, जबकि 10 को बचाया गया है। शिमला से सांगला के लिए ट्रैकिंग पर निकले सैलानियों ने ट्रैकिंग की अनुमति ली थी या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है। हालांकि उत्तराखंड के हर्षिल से छितकुल आने वाले सैलानियों के पास अनुमति थी। कई बार सैलानी बिना अनुमति के ही ट्रैकिंग के लिए किन्नौर पहुंचते हैं। प्रशासन को इसकी सूचना तभी मिलती है जब सैलानी किसी आपदा में फंस जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बर्फबारी से संबंधित एक ताज़ा बुलेटिन। अगर आप भी ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी ट्रैकिंग किन्नौर के लिए बंद है। ट्रैकिंग के लिए आने वाले आदेशों का इंतज़ार करें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी जाने से बचें।